व्लॉग्स वीडियो में स्टोरी टेलिंग का काफ़ी अहम किरदार है। अगर आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी होगी तो आप लोगों में या स्टोरी में इंटरेस्ट पैदा कर सकेंगे, आप स्टोरी अच्छी बयान कर सकेंगे, लोगों को दिलचस्पी पैदा होगी वीडियो देखने में। और मिसाल के तौर पर एक बादशाह की दो बेटियां थीं, एक को शेर खा गया, दूसरी को सांप ने काट लिया। और इस स्टोरी में आप पर ये डिपेंड करता है कि आपकी स्टोरी टेलिंग कैसी है और आप स्टोरी को कैसे बयान करते हैं और कैसे दिलचस्पी पैदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे और मेरे दोस्त को एक जगह से, एक गांव से गुजरने का इत्तेफाक हुआ। वहां पर हमने एक दरबार को देखा, वहां पर घोड़ों के मुजस्मे बने हुए थे। हमें दिलचस्पी पैदा हुई कि ये क्या वजह है, किस लिए बनाए गए हैं। हमने पता किया तो हमें पता चला कि यहाँ पर जो बुज़ुर्ग मदफून हैं इस दरबार पर, उनको घोड़े रखने का बहुत शौक था और इसलिए ये उनकी याद में ये घोड़े बनाए गए हैं। उस पिंड का नाम या गांव का नाम पुल साबा था और उसकी स्टोरी भी हमने आगे एक बुज़ुर्ग से सुनी कि उसका नाम पुल साबा क्यों रखा गया। हम दरबार पर जा रहे हैं, देखते हैं किस बुजुर्ग का दरबार है। सामने आप दरबार देख सकते हैं, दरबार पीर सैयद मोहम्मद शाह, पीर सैयद अफ्ताब हुसैन शाह आल मरूफ, होटियाँ वाला पीर सैयद शहबाज आजम बुखारी। हम पहुंच चुके हैं दरबार के अंदर और मेरे पास काफी सामान है। ये अपना सामान पकड़े भाई, ये देखें आप, आपको घोड़े दिखाता हूँ। पता नहीं ये इनको हार क्यों पहनाए हुए हैं, ये रेस में जीत गए, पता नहीं। ये देखें आप, वीडियो बनाने की पता नहीं परमिशन होगी कि नहीं। अच्छा इतने बहुत ही खूबसूरत दरबार है, हमने पहली दफा देखा है जिंदगी में ऐसा दरबार। ये आखिरी घोड़ा है, तकरीबन ये कितने घोड़े थे, चार घोड़े, एक मेरा एक तेरा दो हमारे देखने वालों के। बंदी पाई हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग तो लाइव हो गई क्या है, सिराने की मंता आलम हाँ। अच्छा पता नहीं,
घोड़े का ही पूछना कब्रिस्तान पीरानो जी। अच्छा सही हो ये अंकल बता रहे हैं कि ये जो घोड़े आपको सामने नजर आ रहे हैं ना, ये जो बुजुर्ग हैं उनको शौक था घोड़ों का, इसलिए वो घोड़े रखने का शौक होगा। और अगर आपको भूख नहीं लगती तो क्या इसका दूध पीएं? किसका? बोर्ड का। अच्छा हो गया, हमें तो बहुत भूख लगती है भाई। फोटो बने? हाँ फोटो बने। तेरी बनाई ना फोटो। फिर एक बुज़ुर्ग से हमें इस इलाके का नाम जानने का इत्तेफाक हुआ तो उन्होंने इस इलाके का नाम सहाबा पुल बताया। आइए सुनते हैं उनकी ज़बानी। जी अगले दौर में जंग आना। जी जी हजूर पाक का सहाबा जंग लड़ते लड़ते जी सिर कलम हो गया, धड़ मतलब इतने आके शहीद हो गया, कबर इंज नहीं आई। नूर असहाब असहाब के नाते असहाबा भाई जी। ठीक नूरा साहब।